मानक जी, मुझे तो पहले बड़ी हंसी आई। दो पार्ट राजनीतिक पार्टी यहाँ बैठे हुए हैं और दोनों के प्रवक्ता जो है, एक तो ख्वाब पे ख्वाब देख रहे हैं और आपस में ख्वाब में ही लड़ रहे हैं। तो इनकी एकता तो भगवान मालिक है, तो इसमें मैं क्या कहूँ आपसे। दूसरा, एक बात जरूर बता दूं कि सौ क्या हजार जुगनू भी मिलके एक सूरज की रोशनी को कम नहीं कर सकते, टिमटिमा सकते हैं, और इसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला। हमने 2014 में भी देखा, उसके पहले 2019 के पहले भी देखा, बहुत हाथ खड़ा कर करके आसमान की तरफ देखते हुए खूब फोटो अप हुआ। इसके बाद जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव में सब कुछ साफ हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये हैसियत एक दूसरे को दिखाते हैं, एक दूसरे को हैसियत दिखाने की कोशिश चल रही है। ये भटकती राजनीतिक जो आत्माएं हैं, ये इनका आप भटकाव देख रहे हैं। कोई जाता है केसीआर के उस पे, फिर वो भटक के चला जाता है ममता जी के यहां। कोई जाता है आम आदमी पार्टी के पास, फिर आम आदमी पार्टी कहीं भटक के चली जाती। ये भटकती हुई आत्माओं का जो है आप मनोरंजन लीजिए। वाजपेयी जी ने शुरू की थी, सुनिए। और आपके साथ भैया, मैंने नहीं बोला था, आपके बीच नहीं बोला था, आप कम से कम शांत रहे मानक जी। हाँ, मैंने तो बीच में नहीं बोला, एक एक करके। हाँ बोलिए। तो ये भटकती हुई आत्माओं का वो है, ठीक है ना, ये भटकती हुई आत्माओं का है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है कि आज कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व, उसकी विश्वसनीयता न जनता के बीच बची है, न किसी पार्टी के बीच बची है, यानी विपक्षी दलों के बीच भी कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं। पार्टी में तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, पार्टी में खत्म इसलिए तमाम जो है बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए। अब पार्टियों के बीच भी यह विश्वसनीयता नहीं है कि ये राहुल गांधी जो है कुछ कर सकते। सबको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, और कांग्रेस उन्हें लॉन्च पे लॉन्च करना चाहती है, पर बेचारा क्या करे, फूके हुए कारतूस है, जैसे ही लॉन्च करने जाते हैं ब्लास्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं कि ब्लास्ट हो जाते हैं। तो मुझे इनके इस बार क्षेत्रीय दल मोदी वर्सेस राहुल नहीं होने देंगे। केके शर्मा, आप तैयार हैं मोदी वर्सेस ममता के लिए? अरे साहब, सर मुझे एक चीज बताइए ना कि 2019 के चुनाव में क्या हुआ था। 2019 के चुनाव में सब लोगों ने अलग अलग ही लड़ा, कौन सी एकता लेके लड़े? क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को सीएम बनाना चाह रही थी उस समय? नहीं, लेकिन मोदी बीजेडी बनाना चाह रही थी, सपा बनाना चाह दिया था आपने और कांग्रेस ने। अरे वो तो राजनीति में भैया ऐसा जो ऐसा उस समय के परिवेश होगा, मुद्दा होगा, जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही होगा। मोदी वर्सेस ममता कैसा रहेगा? जितना आप राज्य दिखा रहे हैं, हर सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए पहले मानक जी, मेरे को नहीं दीजिए। क्या हम तृणमूल कांग्रेस से अकेले नहीं लड़े पश्चिम बंगाल में, और 42 सीटों में हम जो है 20 सीट जीत कर आए, आधे आधे तो हम पहुंच ही गए वहां पर ना इनके साथ, और जबकि कोई बहुत पुराना हमारा पश्चिम बंगाल में जड़ नहीं रहा, लेकिन हम अकेले लड़के जीते। आप बीजेडी, आप वहां आइए उड़ीसा में, उड़ीसा में हमने जो है कितनी सीटें जीती है वहां पर। ये जो सपा जो अपना यहां पर आज छाती पीट रही है, तीन सांसदों की दल तीसरे नंबर की पार्टी है, कांग्रेस वहां एक सांसद की पार्टी, और इतनी बड़ी ऊंची ऊंची बात फेंक रहे हैं। 80 सीट है साहब, 80 सीट में एक सीट, 80 सीट में तीन सीट, ये हालात है। और ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये हरा देंगे, ये कर दें। अरे थोड़ा जमीन पे आओ ना, अभी हालात ये है, विधानसभा चुनाव में जो है 2 सीट कांग्रेस, लेकिन बातें इतनी ऊंची ऊंची है कि समझिए नहीं लगता है आसमान हिला देंगे। आज भी मैं इसलिए मानक जी कहता हूं कि जो वस्तु परिस्थिति आप 210 सीट की जो बात कर रहे हैं, इस 210 सीट के अंदर देखिए इसमें कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी की है। हर जगह हम सबसे अलग अलग ही लड़े ना, एक साथ तो कहीं नहीं लड़े हम भी, इसलिए कह रहा हूं। और केवल कांग्रेस को इतने ही से समझना चाहिए कि अभी भी आप 18 राज्यों में 0 सीट पर हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जहां एक एक सीट है मात्र आपके, एक ही राज्य ऐसा है जहां आप डबल डिजिट में हैं, वो भी केरला में, 12 सीट या 11 सीट है आपकी। तो आप जो ये कहते हैं केवल ठीक है, टीवी में बैठ के हवा हवाई खाबे बांटिए, चिल्लाइए, उससे कुछ नहीं। अभी कह रहे थे कि हमारे साथ तो गठजोड़ जुड़ रहा है, के शर्मा कह रहे हैं बीजेपी हर राज्य में वहां के क्षेत्रीय अकेले लड़ने के लिए तैयार है। संजय कुमार और हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक आंकड़ा कहकर समाप्त कर देता हूं, एक बात कहकर समाप्त, एक मानक जी एक बात,
अभी ये गा रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, 16 पार्टियां जुड़ रही है हमारे साथ। ये 16 पार्टियों की संख्या कितनी है सांसदों की लोकसभा में? 542-543 की जो है स्ट्रेंथ है जो है लोकसभा की। उसमें जो है यदि ये पूरे 16 पार्टियां मिला दें, 37 पार्टियां हैं लोकसभा में, 37 पार्टियां प्रतिनिधित्व कर रही हैं अभी, उसमें 16 पार्टी बता रहे हैं, यानी इनके अगेंस्ट कितनी पार्टियां खड़ी हैं? 18 से 20 पार्टियां। और सीटें कितनी है इनकी? 122। ओके, 122।